जरा सोच कर देखिए कि किसी को फंसाने के लिए कोई किस हद तक जा सकता है। लेकिन आज जो हम आपको कहानी बताएंगे वो आपकी सोच से भी परे होगी। ये पूरी कहानी है उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां पर जमीन बंटवारे को लेकर दो सगे भाइयों में कहासुनी हो गई। इसके बाद में एक भाई ने अपने भाई को फंसाने के लिए एक साजिश रची, और ऐसी साजिश जिसका खुलासा हुआ तो पुलिस भी सन्न रह गई। यहां पर एक भाई ने अपने बेटे से ही खुद पर गोली चलवाई, फिर छोटे भाई पर गोली मारने का आरोप लगा दिया। मामले की जांच में गोलीबारी प्रकरण फर्जी निकला और खुद एसपी ने इसका खुलासा किया। आपको बता दें कि पूरा मामला संभल के धनारी इलाके के गड़ा गांव का है। यहां पारिवारिक विवाद के चलते सगे भाई ने छोटे भाई को फंसाने की साजिश रच डाली और अपने ही बेटे से खुद पर गोली चलवा ली, जिसके बाद इसका पूरा इल्जाम अपने छोटे भाई पर मढ़ दिया और पुलिस में अपने भाई के खिलाफ तहरीर भी दे दी। इस मामले का खुलासा करते हुए संभल के एसपी कृष्ण कुमार ने बताया कि 27 सितंबर को पुलिस को सूचना मिली कि थाना धनारी इलाके में गड़ा गांव में पारिवारिक जमीनी विवाद के चलते छोटे भाई ने बड़े भाई को गोली मार दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सगे भाई सहित दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन जब मामले की गहनता से जांच के लिए टीम गठित करके एसओजी सर्विलांस टीम लगाई गई और मामले की जांच हुई तो पता चला कि दोनों भाइयों में 5 लाख रुपए की लेनदेन और पारिवारिक घर के बंटवारे का मामला सामने आया। बड़े भाई रफेदीन ने अपने छोटे भाई जमील को फंसाने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। रफेदीन ने अपने ही बेटे एहसान से खुद पर गोली लगवा कर पुलिस को सूचना दी थी, जिसका पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पूरे मामले पर पुलिस से क्या कुछ कहा, चलिए सुनवाते हैं आपको। जनपद संभल के थाना धनारी क्षेत्र में एक इरशाद नामक व्यक्ति ने 26 से 27 सितंबर की देर रात्रि 2:30 बजे पुलिस को सूचना दी कि उसके पिताजी जो कि घेर में सो रहे थे उनको उनके चाचा के लड़के और चचा ने मिलकर गोली मारी है। इस बात की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा तुरंत मौके पे मजरूब को CHC भैजोई पहुंचाया गया और जिन व्यक्तियों पर उन्होंने आरोप लगाए थे उनको हिरासत में लिया, उनसे गहन पूछताछ की। पूछताछ के बाद में ये पता चला कि जो इरशाद है, जो मजरूब है घायल, उसका बेटा, उसने झूठी सूचना दी है और जो व्यक्ति घायल हुआ है रफीउद्दीन और रफीउद्दीन के सगे भाई जमील के बीच में आज से करीबन 2 साल पहले किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और रफीउद्दीन और जमील दोनों एक दूसरे के ऊपर फैसला करने को राजी नहीं हो रहे थे, इसलिए रफीउद्दीन ने ये कहानी गढ़ी और 5 लाख रुपए में फैसले के लिए वो डिमांड कर रहे थे। ये व्यक्ति 5 लाख रुपए देने की स्थिति में नहीं था, इसलिए इसने फिर ये एक साजिश रची कि 307 का मुकदमा अपने भाई पे लिखवा दूंगा तो फिर क्या पता ये फैसला कर सकता है। इसलिए इसने तमंचे से अपने दूसरे बेटे एहसान के साथ ये साजिश रची और स्वयं को अपने बेटे के माध्यम से गोली मरवाई और उसके ऊपर ये झूठा मुकदमा लिखवाने की साजिश रची थी। पुलिस ने आज इसका पर्दाफाश किया है और जिस व्यक्ति जमील ने उसके एहसान को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और मजरूब जो अस्पताल में है उसको वहां से पुलिस हिरासत में लिया गया और बाद में जेल भेजा जाएगा। इस घटना के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर ये खड़ा होता है कि जमीनी विवाद और पैसों के लेन देन के चलते अभी न जाने कितने और घर बर्बाद होंगे, और उससे बड़ा सवाल यहां पर ये खड़ा होता है कि आखिर कब तक ऐसी साजिशें रची जाती रहेंगी जिसमें एक शख्स किसी दूसरे को फंसाने के लिए इस हद तक नीचे चला जाए। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।